स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा या मैंने अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस में देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स से डरते हैं, न्यूमेरिकल्स करना नहीं चाहते, न्यूमेरिकल्स उनसे होता नहीं। और एक्चुअली आप इन फ्यूचर यदि IIT JEE या नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के कोई मतलब का नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड टेक्निकल बातें करूंगा आपसे कि आपको न्यूमेरिकल क्यों डिफिकल्ट लगता है और यदि वो डिफिकल्ट लगता है तो उसको ईजी हम कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यदि आप IIT JEE नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स 9th क्लास के फिजिक्स से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। 9th में, फिर 10th में आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करिए। बाय द वे, आपने किसी कारण से 9th 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं किया, आपने मिस कर दिया, तो 11th क्लास में तो आपको उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि न्यूमेरिकल्स आपसे कैसे बनेगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा जो अपने बोर्ड पर मैं डिस्प्ले करूँगा और वहाँ से आप उसको देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात यह कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जनरली हम क्या करते हैं, हमको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सपोज हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, फोर्स, मोमेंटम ये सब पढ़ रहे हैं और इनके कॉन्सेप्ट हमको प्रॉपर क्लियर नहीं होते हैं। हमको पता नहीं होता कि इम्पल्स क्या है, हमको पता नहीं होता मोमेंटम क्या है, और बिना कॉन्सेप्ट को प्रॉपर क्लियर किए हम उसके न्यूमेरिकल सारे पोर्शन में चले जाते हैं। ये हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जो हमारे लेक्चर सुनते हैं, हमारे वीडियो आप देखते हैं, वो आप बहुत ध्यान से देखिए। क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सपोज हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट आपके पास जो भी रिफरेंस बुक है उस बुक को आप एक बार, कम से कम एक बार लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए। और लाइन टू लाइन स्टडी करने पर कुछ भी फैक्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट यदि आपको बुक में मिलता है आप उसको हाईलाइट करिए, आप उसको कहीं नोट डाउन करिए और पूरी कोशिश करिए कि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए। द फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट। नाउ आफ्टर दैट, सपोज आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिलेटेड फार्मूला। अब आपने जब चैप्टर की पढ़ाई की तो उसमें बहुत से आपको फार्मूले मिले होंगे, या वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर आपने उसको कैलकुलस फॉर्म को देखा होगा V=dS/dt, कि आपको पता है कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तब भी हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। इस तरह से आपके चैप्टर में जितने भी फार्मूले कवर होते हैं सबसे पहले वो फार्मूला आप लर्न कीजिए, और हो सके तो डेरिवेशन के स्टेप भी आपको याद रहें, क्योंकि उसको आपको बोर्ड एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको लिखना होता है। तो सेकंड थिंग इज फार्मूला। आप सबसे पहले फार्मूला स्टार्ट कीजिए, लर्न कीजिए, और फार्मूला में आपका इतना कमांड होना चाहिए कि इमीडिएट आपके ब्रेन में रिलेटेड फार्मूला आना चाहिए। तो दूसरा चीज मैंने बताया फार्मूला। अब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको उस चैप्टर के फार्मूले लर्न हो चुके हैं, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स इन द सेंस, टूल्स मतलब क्या, औजार। जैसे आपको पता है कि सपोज मैं कोई जीनियस इंजीनियर हूं और मुझे कोई डिवाइस रिपेयर करना है, लेकिन मेरे पास कोई टूल्स नहीं है, मेरे पास प्लायर नहीं है, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, मेरे पास कोई भी टूल्स नहीं है, तो मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री और मेरा नॉलेज कोई काम का नहीं है। एग्जैक्टली यदि आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपके मैथमेटिकल टूल्स पुअर हैं, दैट मीन्स आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना नहीं आता, आपको एलजेब्रा के प्रॉपर फार्मूले लर्न नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लर्न नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, आपको ज्योमेट्री के छोटे छोटे फार्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते। तो तीसरा इंपॉर्टेंट मैंने बताया मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिकल। देखो, मैथमेटिक्स तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो क्या आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए पूरे मैथमेटिक्स को हमको तैयार करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल्स या फार्मूला डेरिवेशन हम करते हैं, उसमें जितने हमको मैथमेटिकल टूल्स का ज़रूरत है वो लिमिटेड हैं। और यदि उसको आप तैयार कर लिए, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स के 5 पार्ट में अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें मैं फिजिक्स को आसानी से लर्न करने के लिए वो मैंने एक सीरीज ही बनाया है 5 वीडियो का, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। वो आप कंसल्ट करिए, आप उसको देखिए। और इसमें आपको 5 मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले एलजेब्रा, यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ उसके पार्ट। फर्स्ट एलजेब्रा, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड इज वेक्टर एलजेब्रा, फोर्थ इज कैलकुलस एंड फिफ्थ इज ज्योमेट्री। ये 5 मैथमेटिक्स के यदि बेसिक टूल्स आपको तैयार हो जाए, खासकर देखिए फिजिक्स के क्लास में IIT JEE के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं और नीट के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं। जो स्टूडेंट्स नीट का प्रिपेयर करते हैं नेचुरली वो बायो बैकग्राउंड के होते हैं, और आफ्टर 10th क्लास चूँकि वो बायो फैकल्टी में चले जाते हैं तो उनका मैथमेटिकल पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना मैथ्स के स्टूडेंट्स का होता है। इसलिए स्पेशली मेरे को बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट्स को मेरा एक सजेशन है कि आप लोग क्या करिए, 10th क्लास पास होने के बाद जो ऐसे मैथमेटिक्स हैं जिसको आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर एलजेब्रा, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और यदि आपने ये 3 काम कर लिया, आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने उस चैप्टर में जितने फार्मूले यूज़ होते हैं वो आपने लर्न कर लिया, और यदि आपका मैथमेटिकल टूल्स स्ट्रांग है, तो चौथा चीज़ जो आता है वो है कैलकुलेशन। उसके बाद आप बहुत आसानी से आप अपने न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब जब आपको किसी न्यूमेरिकल्स को करना होगा, कोई भी न्यूमेरिकल सपोज मुझे करना होगा, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन रीड कीजिए। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि उस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, ये आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब आप क्वेश्चन में समझ जाएंगे कि आपको उसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लिखिए गिवन, व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है। फिर आप देखें कि फाइंड क्या करना है आपको, आपको उसमें फाइंड क्या करना है। और यदि आपको गिवन और फाइंड प्रॉपर यदि आपको वाच हो जाता है, तो चूंकि आपको फार्मूला लर्न हो चुका है तो आपको उससे रिलेटेड फार्मूला भी आपके ब्रेन में रिकॉल हो जाएगा कि ये वेरिएबल्स ये फार्मूले को मैच करते हैं, तो आप रिलेटेड फार्मूला उसमें अप्लाई करिए। और चूंकि मैंने 3rd पॉइंट आपको क्या बताया, मैथमेटिकल टूल्स, तो आपको कैलकुलेशन करना आता है। सपोज आपको इंटीग्रेशन का जरूरत है, आपको इंटीग्रेशन आता है। सपोज आप उसमें वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है, तो आप उस एप्लीकेशन को अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई मीन कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आफ्टर दैट आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताया कि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से भागते हैं, और न्यूमेरिकल से आप भाग के फिजिक्स में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए उससे भागना कोई उपाय नहीं है, आप उसको फाइट करिए। कुछ दिनों तक आपको डिफिकल्ट लगेगा, धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने के बाद मेरा यकीन है कि आपको उसके न्यूमेरिकल्स में ही मजा आएगा, आप उसको न्यूमेरिकल्स को एंजॉय करेंगे। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि आप जब मेरे न्यूमेरिकल्स पोर्शन या IIT JEE के लिए जरूर मेरे वीडियो आप देखेंगे, तो कहीं पर मैं जब कैलकुलेशन करूंगा या कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर दूंगा तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके लिए ये मैंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताया, उसको आप फॉलो करिए और आप अपने न्यूमेरिकल्स में अच्छा कमांड करिए। ओके, थैंक यू।